एवरीवन, वेलकम टू नैनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी बंगाली स्वीट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, दिवाली आ चुकी है और दिवाली पे फ्रेंड्स बहुत सारा काम होता है और दिवाली पर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, और हमें एक ऐसी मिठाई की ज़रूरत है जो कि बहुत जल्दी बन जाए और टाइम भी कम लगे और इन्ग्रीडियंट्स भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और ज़्यादा झंझट भी ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक ऐसी मिठाई बनाई है जो कि बहुत ही झटपट बन जाएगी और आप यकीन मानिए आपकी फैमिली को ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं बंगाली स्वीट्स। बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए, मैंने पहले से ही चाशनी को बनाकर रख लिया है। ये देखिए, हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, कोई तार नहीं खींचना है हमें, बस हल्का सा चिपचिपापन देखना है हमें। ये देखिए, मैंने यहाँ इलायची दाना डालकर चाशनी को बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से गाढ़ा करके ये मावा बना लिया है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मावा इसमें से निकाल लेंगे अंदर फिलिंग के लिए। ये देखिए, और ये जो थोड़ा सा मावा इसमें बचा हुआ है, इसमें हम डाल देंगे दूध और इसे पतला कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ले ली है और इसे हम चलाएंगे, चलाकर गाढ़ा कर लेंगे। और फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये ब्रेड, बड़े वाले स्लाइस हैं ये, और मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इस तरह से गोल गोल शेप के हमें ये सारे काट लेने हैं। मैंने यहाँ पर कट करके रखे हैं और इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे ब्रेड को कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह की शेप के। तो फ्रेंड्स, ब्रेड हमारे यहाँ पर कट चुके हैं और यहाँ पर जो मावा हमने निकाल लिया था उसे लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये केसर वाला दूध लिया है, मैंने केसर के धागे को इस तरह से हल्के कुनकुने दूध में भिगो कर रख दिया था। ये देखिए, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। आप चाहे तो यहाँ पर फूड कलर भी डाल सकते हो। बंगाली स्वीट्स में मैंने केसर का यूज़ किया है, इसे हम अच्छे मैश करेंगे। और यहाँ पर मैंने चीनी को पीस लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल दूँगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्पून से ले सकते हैं, मैं नोजल से इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी इनको। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ग्लास की हेल्प से एक नोजल में इसे डाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक रबड़ लगा देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने ये दूध लिया था गाढ़े वाला, उसमें हम ये अपने ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे इस तरह, और हम एक ट्रे में इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर हमें ब्रेड को बिल्कुल दबाना नहीं है, इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्रेड स्लाइस को इस तरह से रख दिया है। और अब हम यहाँ पर इस नोजल से इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे।
आप चाहे तो स्पून से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े से मेलन सीड डाल दूंगी और यहाँ पर हम ये ब्रेड स्लाइस इस तरह से डिप करके दूध में, ये देखिए इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पर ये जो हमने चाशनी बनाई थी अब हम इसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड इस दिवाली पर आप इस मिठाई को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम खर्चे में बन जाने वाली स्वीट्स है ये। देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर नारियल के बुरादे से इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ी चाशनी हम और ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब मैं ये देखिए यहाँ पर मिठाई वाला ये वर्क, चांदी वर्क बोलते हैं जिसको, इसे लगा दूंगी। ये देखिए मैंने चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़े से मेलन सीड डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से बारीक बादाम कट करके ले लिए हैं, उन्हें डाल देंगे। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने अब ये केसर वाला दूध लिया है, थोड़ा सा इससे गार्निश करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी बेंगोली स्वीट्स बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।